हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर मैथ्स क्लास। नेक्स्ट यूनिट है एक पैरामीटर एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले टॉपिक है पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। यहाँ पे ये शेप है, ये बना हुआ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये तो होता है ब्रेथ, लेंथ, लेंथ। अब यहाँ पे हमें शो है कि ये जो दोनों साइड का जो लेंथ है वो इक्वल है एंड जो ब्रेथ है वो इक्वल है। अब आते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर के फॉर्मूला पे। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर के फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे कितनी लेंथ है, टू लेंथ हो गई, टू ब्रेथ हो गई। इट मीन्स हम इसका क्या फॉर्मूला बनाएंगे, टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब अगर हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि लेंथ इसमें दे रखी है 42, एल इज इक्वल टू 42 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कितना होगा, सेंटीमीटर। ओके, अब हमको सॉल्व करना है तो आप क्या लिखोगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला, टू लेंथ प्लस ब्रिथ। मतलब इतनी से यहाँ पे क्या हो गया, टू से मल्टीप्लाई हो गए सारे। यहाँ पे हमने कितनी काउंट कर ली है, लेंथ को भी टू टाइम और ब्रिथ को भी टू टाइम। या तो हमें इनको ऐड करना होता है 15 प्लस 15 प्लस 42 प्लस 42। यहाँ पे हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी और इसी फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। टू, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ है 42 प्लस 50। आपका जो आंसर आएगा उसको आप टू से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, 5 और 2 5 6 7। नेक्स्ट 57 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू से मल्टीप्लाई। 57 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 14 14 का 4 1 कैरी 5 2 10 10 और 1 11 140। कितना देख है, सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम आते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है। स्क्वायर होती है उसमें फोर साइड्स होती है, और फोर साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, फोर साइड्स इसमें इक्वल होती है। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के लिए फोर साइड्स आर इक्वल, इसमें फोर साइड्स से इक्वल होती है, तो इसमें यहाँ पे क्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। आपको क्वेश्चन में वन साइड दी हुई होगी, फोर साइड्स ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर में कितनी साइड होती है, फोर साइड होती है, वो इक्वल होती है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आए तो क्वेश्चन नंबर टू में साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, साइड इज इक्वल टू दे रखा है 15 मीटर दे रखा है आपको। ओके, 15 सेंटीमीटर, इतने से यहाँ पे भी कितना चेंज करेंगे, 15। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। ये हो गया फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आप कितना मेंशन करोगे, 15। तो यहाँ पे कितना होता है, 15 फॉर द 60 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स कि ट्रायंगल्स का जो पैरामीटर है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। ट्रायंगल कैसी भी, किसी भी, या ट्रायंगल का कोई भी हो सकता है, कोई भी एंगल में जो ट्रायंगल बना हुआ होगा उसको आपको क्वेश्चन में आपको थ्री है तो यहाँ पे थ्री साइड्स का आपको मेजर दिया होता है सेंटीमीटर या मीटर में। तो क्वेश्चन थ्री के अकॉर्डिंग है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो मैंने एक ट्रायंगल बनाया है इसके अकॉर्डिंग मैं मेंशन कर रही हूँ 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अभी है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपको साइड्स दे रखी है इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर। तो क्या आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर। ओके आई थिंक आपको ये जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये क्लियर हो गया। तो आप एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपकी नोटबुक में आपको सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।